सभी किसान भाई को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आ चुके हैं एक ऐसे किसान के पास जो कि वो बकरी पालन करना चाहते हैं और बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं, जो कि वो कुछ अपने पास जो है बच्चे लेके आए हैं, जो कि 4-5 बच्चे लेके 6 बच्चे लेके आए थे, जिसमें से कुछ जो है 2 मर गई और किस कारण से मर गई वो अभी उनको नॉलेज है नहीं उतना। चलिए मैं उन्हीं के पास लेके चलूँगा और उनकी बकरियों को देखूँगा और कौन सी बकरियाँ हैं, कौन सी क्वालिटी की हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप एक बकरी पालन करना चाहते हैं तो जिस हिसाब से किसान भाई छोटे पैमाने से कर रहे हैं, इन्होंने ब्रीडिंग के लिए लाके 4 बकरियाँ रखी हैं, इसी से अपना खुद का व्यापार बढ़ाएंगे और खुद से ही एक बड़ा बकरी पालन कोशिश करेंगे खोलने की। किसान भाइयों, मैं लेके चलता हूँ फार्म के अंदर, जो कि इनके पास 4-5 बकरियाँ हैं जो कि अच्छी नस्ल की हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। किसान भाइयों, इनका जो फार्म देख रहे हैं करीब जो है 20 फीट का लंबा चौड़ा फार्म है, जो कि फार्म के अंदर हम आपको लेके चलेंगे। यहाँ पे इन्होंने जो 6 बकरियाँ लेके आए थे, 6 बकरियों के बच्चे जो कि लेके आए थे, जिसमें से 2 इनकी एक्सपायर कर गई हैं, देखेंगे कि जो कि ये अच्छी नस्ल की बकरियां हैं, एकदम बेहतरीन तरीके की ये बकरियां दिखाई पड़े, जो कि ये 2 महीने पहले इन्होंने मार्केट से परचेज करके लेके आया था, जो कि इस समय ये देखेंगे कि करीब ये हो गई हैं लगभग 3 फीट के आसपास, लगभग 3.5 फीट के आसपास हो गई हैं, इनकी हाइट हो गई है। अब देखेंगे कि इनके पास जो कि 2 सब जो कि बकरियां, एक जो कि खांसी लेके आए थे वो एक्सपायर कर गया किसी बीमारी के कारण से। ये बता सकते हैं कौन सी ब्रीड का है? ये सिरोही, मतलब ये किसान भाइयों, ये सिरोही है, जो कि ये मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इससे क्या होता है, इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत जल्द ही तैयार हो जाती हैं ये बकरियां। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप जाके मार्केट से इसकी पूरी ट्रेनिंग लेके आप कर सकते हैं। और ये जो है बकरियां, ये बताइए, ये जमुनापारी है, ये जमुनापारी आप देख रहे हैं, इसकी काफी अच्छी हाइट दिखाई पड़ रही है, आप देखेंगे इसकी काफी अच्छी हाइट है। और जो कि ये भी अभी इन्होंने सबको जितनी आपको बकरियां चारों दिखाई पड़ रही जो कि मार्केट से इन्होंने लेके आए हैं। और ये वाली कौन सी है? ये बर्बरी है, बर्बरी देख रहे हैं कि जो कि ये भी काफी अच्छी हाइट में दिखाई पड़ रही है। ये हमको लग रहा है कि ये मिल के मायने में बहुत अच्छी होगी ये बकरी, क्योंकि जिस हिसाब से इसका अडर दिखाई पड़ रहा है, आप देखेंगे इसका अडर बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जो कि अभी क्या हुआ कि किसान भाई, जैसे कि जब नॉलेज नहीं होता, जब अच्छे तरीके से ट्रेनिंग नहीं होती किसी के पास, तो थोड़ा नुकसान होता है। तो हिसाब से किसान भाई ये छोटे पैमाने से शुरू किए हैं, जो कि इनके पास 4 बकरियां हैं जो कि 2 एक्सपायर कर गई हैं। इस हिसाब से ये बड़े पैमाने पे करने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी करना चाहते तो आप छोटे पैमाने से कर सकते हैं, उसके बाद ही आप बड़े पैमाने पे जा सकते हैं। इनसे क्या होगा, ये अच्छी नस्ल की बकरियों के बच्चे निकालेंगे, उसके बाद ये धीरे धीरे करीब 1 साल के अंदर ये बड़ा फार्म अपना खोल सकेंगे। तो इससे क्या होगा कि इनके पास कम लागत भी लगेगी और अच्छी फार्म तैयार कर लेंगे। किसान भाई, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए रोज रोमांचक वीडियो लेके आता रहता हूँ। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।